उसने कहा नहीं नहीं सर उस दिन हम केक भी काटेंगे, तो मुझे अनुमति देनी पड़ी। अभी अजार्स के कार्यक्रमों को लेकर विचार व्यक्त हुए, अजार्स की प्रगति यहाँ प्रस्तुत की गई और मुझे ये खुशी है कि अजार्स के जो मेरे साथी हैं वो पूरा तन मन धन से समाज के विकास में काम कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मैंने ये कहा था कि अजार चला गांव की ओर अभियान संचालित करना चाहिए और उसमें मेरे साथी जुड़ गए, वो गांव में गए, लोगों से मुलाकात की और बताया कि अजार क्या है, हमारे सामाजिक दायित्व क्या है, हमारे अन्य जो मुद्दे क्या हैं उस पर चर्चाएं हुई, तो लोग हमसे जुड़े। ये कहते हुए बड़ी खुशी की बात है कि जब गांव में हमारा एक निरक्षर भाई है, किसान है, मजदूर है, जब उसके साथ कुछ होता है तो बोलता है मैं अजाक्स थाने में जाऊंगा, जबकि अजाक्स का कोई थाना नहीं होता, उसको जो SC ST थाना है उसको हमेशा अजाक्स थाना ही बोलता है। और ये पहुंच ये इस तरह की अप्रोच कैसे बनी, इसलिए बनी कि जब भी घटना होती है तो हमारे अजाक्स के जो भाई हैं वो आगे आते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, तो उनको लगता है कि ये थाना अजाक्स का ही है। ये हमारी बहुत सफलता की बात है। अब साथियों, मैं पिछले 18 साल से आप लोगों के साथ में हूँ, कई बार कोशिश भी करता हूँ कि ठीक है भाई दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मैं 365 दिन तैयार रहता हूँ कि आप अच्छा सक्षम अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, लेकिन आप लीडरशिप डेवलप करिए, क्योंकि अगर हम लीडर डेवलप नहीं करेंगे तो एक होता ना कि संगठन की जो एक कंटिन्यूटी है वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस संगठन में लीडरशिप होना चाहिए, लोग आगे आए, मैं संरक्षक के रूप में काम कर सकता हूँ, आगे मैं जुड़ा रहूँगा, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके का होगा, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया होती है, जिलों में हम चुनाव कराने की बात करते हैं कि नया संगठन आगे आए और वो लोगों को आगे बढ़ने के अवसर दें। मुझे खुशी है कि जब अजाक्स का चुनाव होता है तो जिलों में काफी गर्मी होती है और वो गर्मी को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप स्थापित करना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि जब जबलपुर में चुनाव होता है तो वहाँ दो दो CSP लगते हैं, दो दो SDM लगते हैं और बूथ बनता है, वहाँ चुनाव होता है, गर्मी का दिन होता है उस दिन। अभी जबलपुर यहाँ ग्वालियर में चुनाव हुआ तो 6000 से अधिक वोटर्स थे वहाँ पर, करीब 5000 से अधिक वोटर्स ने अपना वोट दिया। तो एक जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको स्थापित रहना चाहिए और यही जो प्रजातांत्रिक मूल्य है वही एक चीज है जो हमको आगे बढ़ने का अवसर देती है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब ने संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करी कि चुने हुए लोग ही सत्ता चलाएंगे, जनता के लिए सत्ता होगी और एक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने नारा दिया। अंग्रेजों के पहले राजा महाराजा होते थे लेकिन वो वेलफेयर स्टेट नहीं होता था, अंग्रेज आए उनके भी अन्य उद्देश्य थे, वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उन्होंने इसको एक वेलफेयर स्टेट का नाम दिया और ये कहा कि जनता द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए काम करेंगे। तो उसमें फिर भारत के संविधान में समता का सिद्धांत आया, समानता का सिद्धांत आया, स्वतंत्रता की बात हुई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और भाईचारा, इसका एक बाबा साहब ने हमको संदेश दिया। और ये जो प्रस्तावना में ये जो चीजें कही गई और जो मूल अधिकार बने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने और आगे प्रक्रियाएं निर्धारित हुई, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ सुबह से हैं,
आजाद अपना सम्मेलन कर रहा है और अपने विकास की बात कर रहा है। ये जो आजादी है ये बाबा साहब की दी हुई आजादी है। हमारे अन्य महापुरुष जिन्होंने हमको संरक्षण दिया और हमको आगे बढ़ाया, जो सामाजिक महापुरुष हैं, जो हमारे भक्ति काल के जो गुरु हैं वो लोग हैं, और बाद की बात करें तो कांसीराम साहब हैं, जिन्होंने पूरे देश में घूम कर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने समाज की बुराइयां भी बताई, उन्होंने समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी उन्होंने व्यक्त किया, और उसका परिणाम है कि आज करोड़ों भारतीय जो अपने जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो आगे बढ़कर अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का प्रयास करते हैं। हम उनको आज नमन करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। हमारे जो आदिवासी समाज के जो गुरुजन हैं जिन्होंने सम्मान दिया, बिरसा मुंडा साहब हैं, टंटिया मामा साहब हैं, और बाकी देश के जितने भी हमारे जो सामाजिक उद्धारक हैं उनको भी आज हम याद करते हैं। और मेरा ये हमेशा सिद्धांत रहा है कि हमको जो हमारे जो महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी वक्ता बता रहे थे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो समाज के क्रीम हैं। समाज की जो क्रीम है यहाँ है, और उसका काम क्या है? काम ये है कि बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया था, अगर हम नहीं करेंगे तो बाबा साहब के सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गांव का हर व्यक्ति तो आगे आजाद नहीं बना सकता, हर व्यक्ति आके समानता की बात नहीं कर सकता, हर व्यक्ति आके समता की बात नहीं कर सकता। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर समाज को आगे ले जाने की बात करें। जब हम क्रीम की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली, जिनको अच्छे कपड़े पहनने को मिले, जिनको अच्छे घरों में रहने का अवसर मिला, और साथ में जिनको बोलने का भी अधिकार मिला। अभी भी हमारे समाज के जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाइए, अभी भी घटनाएं होती है कि घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, मालवा में घटनाएं होती है साइकिल पे बैठ के बड़े महल के सामने से नहीं जा सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ये एक जो सामंती मानसिकता अभी भी व्याप्त है, ये तभी समाप्त हो सकती है कि जब हमारे लोग आगे आके जो गांव में हमारा बंदा रहता है उसके साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो ये जो सामंती सोच है कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जब छतरपुर की मैं बात करता हूँ, बेगमगढ़ की बात करता हूँ, तो वहाँ मुझे गर्व है ये कहते हुए, पता नहीं यहाँ केडी है कि नहीं, आज केडी अहिरवार साहब बैठे हुए हैं, 18 साल से आप वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और उन छतरपुर को मैं जानता हूँ, जहाँ पर जब मैं कलेक्टर था तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि घोड़े पे आदमी बैठ जाए, ये बड़ी बात है कि मोटरसाइकिल पे निकल जाए, साइकिल पर बैठ कर निकलना भी गलत होता था। सही चीज ये कहूँ कि गेहूं की रोटी खाने में पिटाई होती थी लोगों की वहाँ उस जमाने में 25 साल पहले। वहाँ पर केडी ने काम किया और वहाँ पर आज बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, और ये सिर्फ आजाद से काम किया। ये भी मुझे कहते जो गर्व है कि आजाद ऐसा संगठन है जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उठाता है, बाकी कोई संगठन नहीं है जो मुद्दों की बात करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो आजाद का प्रत्येक साथी है वो जागरूक रहे, और जागरूक रहने के साथ में जो हमारे जो संविधान के मूल्य हैं उसके अनुसार काम करें, बाबा साहब के विचारों के अनुसार काम करें, और समाज में भाईचारा लेके आए। जब हम भाईचारा की बात करते हैं तो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में भाईचारा की बात नहीं है। बाबा साहब का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, वो इस देश के एकीकरण, देश की एकता और देश में भाईचारा की बात करते हैं, क्योंकि संविधान तो सबका है, अनुसूचित जाति जनजाति का ही मात्र संविधान नहीं है। तो जो बाबा साहब के भाईचारे की बात थी वो ये थी कि इस देश में असमानता खत्म हो, इस देश में अवसर की समानता हो। अवसर की समानता का प्रश्न क्या है? अवसर की समानता की बात करेंगे तो सबको आगे बढ़ने का अवसर हो, सबको पढ़ने का अवसर हो, सबको घोड़ी पे बैठने का अवसर हो, सबको सामाजिक न्याय का अवसर हो, और सबको एक आज़ादी हो जो संविधान के मूल्यों के अंतर्गत हो।
तो उसकी बात हमको करनी है और उसको हमको स्थापित करना है, तो जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा समाज आगे बढ़े। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कई आइडिया देता हूँ। अभी एमसी साहब बता रहे थे कि हम क्या क्या चर्चाएं करते हैं। जब हम बैठते हैं तो मुर्गी से लेके घोड़े तक की चर्चा होती है ना, और उसमें कचरे से खाद बनाने से लेके, और यहाँ अनिल सिरोहिया जी बैठे हैं, बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात भी हम लोग करते हैं कि किस तरह से हम मंथन करके और किस समाज के जो हमारे लोग हैं, जो पीछे सूखे से लोग हैं, उनको हम समाज की मुख्य धारा में कैसे बढ़े। क्योंकि जब हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, ये जो समाज है अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है, अभी भी काफी पीछे है। देश में आर्थिक परिवर्तन हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हो गए हैं, तो उनपे हम लोगों की पहुंच अभी होगी ही नहीं है। सामाजिक रूप से जुड़ेंगे नहीं तो हम कभी मजबूत नहीं हो सकते। तो मैं हर बार बोलता हूँ, मैं हमारा बुंदेलखंड के साथ ही मालवा में जाकर लोगों से मुलाकात करें, मालवा वाले दीवा में जाके रहे और वहां पर एक दूसरे के समाज को समझे। जो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो करें वहां पर, और एक प्रोग्राम ये करें कि कैसे हम हमारे जो आम समाज के लोग हैं उनसे जुड़े। यहां से करके जब आप जाएं तो एक अभियान चलाइए कि आप किसी न किसी आदिवासी भाई, किसी न किसी अनुसूचित जाति के भाई के किसी गाँव में चले जाइए और उसके घर में उसके देखिए जो सरकारी नौकर नहीं है। आप लोग देखेंगे अभी भी भारी गरीबी है, अभी भी उनके पास संसाधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उनसे बातचीत करिए और उनको जांच के बारे में बताइए, और अगर सेल भी का सुख हो तो सेल भी उनके साथ। तो सेल भी उनके साथ खींच कर आप उसको सोशल मीडिया पे डालिए तो आपकी आंखें खुलेगी कि अभी भी हमारा जो एक छिंदवाड़ा का जो आदिवासी भाई है या सिंगरौली का आदिवासी भाई है वो किन परिस्थितियों में रहता है। तो इस अभियान को हमको सोशल कनेक्ट के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक दूसरे जो मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इंक्लूसिवनेस समावेशी विकास की बात हम सब करते हैं, अब इंक्लूजन सब जगह होना चाहिए ना। इंक्लूजन सरकार में भी होना चाहिए, सरकार के विभिन्न अंगों में इंक्लूजन होना चाहिए। तो इंक्लूजन में अगर सरकार की बात करते हैं तो कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हमारी भागीदारी नहीं है। अभी एमसी साहब बता रहे थे कि अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां कोई भागीदारी नहीं है। आज़ादी के बाद में 1947 से लेकर अभी तक इस प्रदेश में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का हाईकोर्ट का जज नहीं बना। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि वहां हमको अवसर अभी तक मिला नहीं है। अभी सिविल जज की परीक्षा हुई, उसमें आदिवासी भाइयों के 114 पद थे, उसमें से 5 भरे गए, 109 खाली छोड़ दिए। अगर अब इस विषय पर अगर अजाक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अभी हायर जुडिशरी के लिए जो रूल्स बने उसमें ये बने हैं कि अगर एक बार बैकलॉग खाली रह गया, दूसरी बार विज्ञापन निकालेंगे, तीसरी बार उसको सामान्य वर्ग से भर लेंगे। अगर इसमें हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। ऐसे ही आप देख लीजिए, मीडिया को देखिए, मीडिया में हमारे लोग बिल्कुल नहीं हैं, उद्योग में बहुत कम लोग हैं, सेवा क्षेत्र में हमारे बहुत कम लोग हैं। इसीलिए यहाँ अनिल सिरवैया जी बैठे हुए हैं, हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं कि हर सेक्टर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को होना चाहिए। उसमें अजाक्स की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब यहाँ अनिल सिरवैया जी बता रहे थे और जब उनका संबोधन खत्म हुआ तो हमारे कई साथियों ने खड़े होकर उनसे अपना मोबाइल नंबर मांगा। ये अच्छी चीज है कि आप लोगों में ये जागरूकता आ रही है और आप उसमें काम करना चाहते हैं। अब इसके अलावा जो
बड़े मुद्दे आते हैं। अजाक्स भवन की बात हुई यहाँ पर, अजाक्स भवन को हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक प्रदेश में सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और आर्थिक चेतना का केंद्र बने। यहाँ भोपाल में जो परीक्षा देने वाले गरीब बच्चे आते हैं वो वहाँ पर रुकें, वहाँ वैचारिक मंथन हो, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जिससे कि हम पूरे प्रदेश में जो समाज के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर पाएँ। हम लोग ये कोशिश करें कि यहाँ पर बहुत अच्छी लाइब्रेरी हो, ये कोशिश करें कि जब यहाँ लोग आएँ भोपाल में तो वहाँ रुकें भी वो, और एक बहुत अच्छा सेंटर डेवलप हो। जहाँ तक बजट का प्रश्न है, मथुरा प्रसाद जी ने अपनी बात यहाँ पर कही है, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मेरी जो अजाक्स की टीम है भोपाल वाले, वो इतने सक्षम हैं और इतने खुददार हैं कि वो अजाक्स का जो एक एक पैसा है उसको व्यक्तिगत खर्च नहीं करना चाहते। अभी भी मैं बोलता हूँ, किसी भी साथी को अगर लगता है कि अजाक्स का उसको हिसाब देखना, तो जाके कृपया हिसाब देखिए, बोरकर वहाँ पर हैं, उसको निर्देश है कि किसी भी वाउचर की कॉपी लेनी है तो कॉपी ले लीजिए, किसी भी फाइल को देखना फाइल को देखिए, और वहाँ खुद आप इन्वॉल्व होइए, बैठिए वहाँ पर, जाके देखिए आप वहाँ पर। और वो ये सब इसलिए करते हैं कि जो एक सामाजिक विश्वास है वो बना रहे। अजाक्स तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें एक दूसरे में विश्वास की भावना हो। साथियों, अभी बहुत आगे जाना है, आगे बहुत काम करने हैं, तो मैं आज इस अवसर पर यही कहूँगा कि सब भाईचारा बना रहे और सबको, अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ें। और मैं ये देखिए हमेशा कहता हूँ, इस देश में राजनीतिक दलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है वो सामाजिक दलों की है कि सामाजिक संस्थाएं नहीं है, और अजाक्स को मैं एक सामाजिक संस्था हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ। यहाँ राजनीति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। वोट देने का अधिकार सबका व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसको वोट देना दीजिए, लेकिन राजनीति की बात मेरे अजाक्स में नहीं होगी, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन राजनीति आई उस दिन ये संघ खुद समाप्त हो जाएगा, इसको आप सुनिश्चित करें। तो मैं इस अवसर पर उन्हें सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी नया सत्र शिक्षा का शुरू हुआ है, तो जो हमारे युवा साथी जो हॉस्टल्स में आश्रम्स में जा रहे हैं, उनके एडमिशन्स की प्रॉब्लम्स है, मेरे पास लोगों के फोन आते रहते हैं, उनकी फीस की दिक्कतें हैं, स्टाइपेंड की दिक्कतें हैं, उसके लिए काम करिए, हॉस्टल्स का भ्रमण करिए, लोगों से मिलिए। और मैं ये कहूँगा कि हॉस्टल्स में अगर आप जाते हैं तो वो सबसे सुखद दिन होता है आपके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, और समाज में अगर स्थापित होना होगा तो युवाओं से आपको मिलना पड़ेगा। साथ में जो सामाजिक रूप से टेक्नोलॉजी के जो परिवर्तन हो रहे हैं अभी, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, उस पर भी हमको छोटे छोटे ग्रुप्स में बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो हमारा समाज क्या होगा, वो पीछे छोड़ता जाएगा। क्योंकि उद्देश्य यही है कि सबके साथ चलें, सबको साथ लेके चलें और हमेशा साथ रहें। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज मैं ये कहूँगा कि मेरी पत्नी ने आज जितना समय यहाँ दिया उतने साथ कभी नहीं दिया। अभी धीरे से मुझे बोल रही थी कि थोड़ा कम बोलना, मुझे भूख लगी है, तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए समाप्त करता हूँ मेरी बात यहाँ पर, और सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस आज जो कार्यक्रम सफल हुआ है, उस कार्यक्रम में श्री के डी अरबा छतरपुर पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री डी पी अरबा आगे मत आइए भैया, हैप्पी बर्थडे, आभारी है समय दिया और हमेशा को याद करते हैं।